नमस्कार मित्रों, मैं सुदीप त्रिपाठी, लाइफ कोच हीलर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिवाइन विजन बाय सुदीप त्रिपाठी में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का विषय है ऑरा या आभा मंडल। ऑरा के विषय में आपने शायद पढ़ा हो, सुना हो। ऑरा है क्या? ऑरा एक ऐसी ऊर्जा है या ऐसा आवरण है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। हमारे चारों तरफ एक प्रकाश का शरीर होता है, उसे ऑरा बोलते हैं। यह प्रकाश का शरीर हमें बाहरी निगेटिव ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है, बुरी शक्तियों से हमें बचाता है, कुछ रोगों से हमें बचाता है। जो भी समस्या या जो भी बाधा हमारे तरफ आगे बढ़ती है तो पहले हमारा ऑरा उससे फाइट करता है, हमारा ऑरा उससे लड़ता है। उसके बाद जब वह उससे फाइट नहीं कर पाता तो वह चीज़ हमारे शरीर में एंटर करती है। उसके बाद हमें समस्याएं पैदा होती हैं, हमारे जीवन में रोग पैदा होते हैं, बाधाएं पैदा होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑरा दो प्रकार का होता है, एक इनर ऑरा, एक आउटर ऑरा। इनर ऑरा होता है हमारे शरीर के अंदर के सभी अंगों के बाहर का एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसे इनर ऑरा बोलते हैं। यदि शरीर के चारों तरफ ये होगा तो ये इनर ऑरा होगा। इसके बाहर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, उसे आउटर ऑरा बोलते हैं। यह हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः 10 से 15 फीट या 20 फीट तक व्यक्ति का ऑरा होता है। यानी आप जहाँ से खड़े हो जाएं, आपके सामने 10 से 15 फीट, पीछे भी 10 से 15 फीट, ऊपर भी, दाएं भी और बाएं भी, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों का थोड़ा कम होता है, कुछ व्यक्तियों को थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो व्यक्ति बहुत अच्छी साधना करते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, अपने संबुद्ध जो आत्म साक्षात्कारी लोग हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है। तीर्थ स्थानों का भी ऑरा होता है। आप देखते हैं कोई तीर्थ स्थान का ऑरा बहुत बड़ा होता है तो उस पर हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं। तो ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन उस शक्ति से आकर्षित होकर लोग जाते हैं तो ऑरा का अपना प्रभाव होता है। जैसे आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा, हर फील्ड में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, जिनसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो उन व्यक्तियों का ऑरा बहुत ही अच्छा और मजबूत होता है। जिन व्यक्तियों का ऑरा जितना बड़ा और मजबूत और शक्तिशाली होगा, वह व्यक्ति उतने ही सफल और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऑरा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं, मजबूत हैं और शक्तिशाली हैं तो हमारा ऑरा भी मजबूत होगा। अगर हमारे विचार डर वाले हैं, चिंता वाले हैं, निराशा वाले हैं तो हमारा ऑरा भी नेगेटिव और कमज़ोर होगा। कुछ लोगों का ऑरा उनके जन्म से ही बहुत शक्तिशाली होता है, कुछ लोग साधनाओं के द्वारा मजबूत करते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके विषय में और बातें बताना चाहूँगा कि ऑरा आपको अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले आप पॉजिटिव विचार मन में लाएं। कोई मंत्र को चैंट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, जो भी है, जिसमें भी आपका मन लगे, एक कोई मंत्र लें या एक कोई विचार लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या जो भी आपको विचार मोटिवेट करते हैं उन विचारों को बार बार दोहराएं। तो उससे क्या होगा कि आपके चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा नेगेटिव है तो आप नमक के पानी से नहा सकते हैं। नमक के पानी से कैसे नहाना है? एक मग में पानी लेना है, उसमें दो चुटकी नमक डालना है, उसके बाद उसको सिर से लेके पूरा नहा लीजिए आप। उसके बाद जैसे आप साबुन से, पानी से या शैम्पू से, जिससे भी नहाते हैं उससे आप नहा लीजिए, उससे भी आपका ऑरा साफ होगा। इसके अलावा आप अपना ऑरा मोरपंख से भी साफ कर सकते हैं। इस प्रकार के मोरपंख मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप 20 बार या 21 बार सामने से ऑरा साफ कर सकते हैं। नीचे तक ले जाएंगे, इससे भी ऐसे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप कल्पना करेंगे कि आपके हाथों के सामने एक पृथ्वी आ गई है बॉल के जैसी, और आपके
क्राउन चक्र में सहस्त्रा चक्र से ऊर्जा आ रही है, सफ़ेद ऊर्जा, चमकती हुई ऊर्जा, और आपके हाथों से निगेटिव ऊर्जा पृथ्वी में जा रही है। ऐसा आप 5 मिनट तक करेंगे और ये अफर्मेशन देंगे कि आपके जो भी निगेटिविटी है ऑरा में, चक्रों में, सारी निगेटिविटी पृथ्वी में चली गई है। तो इस प्रकार भी ऑरा साफ़ कर सकते हैं, रेकी के माध्यम से भी ऑरा साफ़ कर सकते हैं। आप रेकी को कॉल करेंगे और अपना अपने ऊपर स्पाइरल चौकड़ी डालेंगे, उससे भी आप ऑरा साफ़ कर सकते हैं। चारों दिशाओं में स्पाइरल चौकड़ी डाल के भी ऑरा साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा नमक, नींबू, इनको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बहा सकते हैं, फेंक सकते हैं। जो नज़र उतारने का भी प्रोसेस होती है उसमें व्यक्ति का ऑरा साफ़ किया जाता है, तो आप इस माध्यम से भी ऑरा साफ़ कर सकते हैं। और आप कई प्रकार से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए, आप खुश रहें, वर्तमान में रहें, तो आपका ऑरा वैसे भी शक्तिशाली हो जाएगा। धन्यवाद।